Thank you for joining. We are on the Thank you, YouTube ma'am. channel of the Our Own India Vision Foundation channel called the Demonstrative Learning. And today, this is the third session of our discussion. Pehla aapko, all of those listeners who are listening to us prior to this, aapko dekha hoga, humne pehle FIR ki baat ki thi. Uske baad humne focus kiya tha arrest ke rights par. Kyunki humne socha, kyunki aaj sara Hindustan law student bana hua. चाहे वो मैजिस्ट्रेट जुडिशरी है, चाहे वो लीगल फैकल्टी है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट है, चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन है, कोई भी है, आज वो लॉ स्टूडेंट बन गया क्योंकि तीन नए कानून आ गए. इंडियन पिनल कोड रिप्लेस हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिप्लेस हो गया, एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो गया, जिनके तीन नाम है PNS, PYS एंड PS. सो आप संस्कृत के नाम आप बोलते रहो, मेरी तो टंग ट्विस्टिंग हो जाती है, इसलिए मैं तो शॉर्ट बोल रही हूँ. लेकिन सवाल उठता है कि फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिल द लॉ स्टूडेंट एंड इवन एन इंटर्न एंड अ ग्रेजुएट टुडे हैज बिकम अ लॉ स्टूडेंट बिकॉज उसको ऑन अ कम्युनिटी वर्कर. तो प्रिजन ऑफिशियल्स इंक्लूडेड, पुलिस, प्रिजन ऑफिशियल्स, कोर्ट्स, प्रैक्टिसिंग लीगल कम्युनिटी, जुडिशरी, मैजिस्ट्रेट, एवरीबडी इज लॉ स्टूडेंट टुडे क्योंकि नए लॉज आ गए. 150 साल पुराने ब्रिटिश मेड लॉज खत्म किए गए और शुक्र है देर आए दोस्त आए लेकिन आ गए. सो हमारा ये थर्ड सेशन है, दिस टाइम इट्स ऑन प्रिजन्स. एफआईआर के बाद, अरेस्ट के बाद, आज हम प्रिजन्स की बात करेंगे और ये समझने के लिए कि प्रिजन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, हम प्रिजन्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर वहां गलतियां हो जाती हैं. तो हमने सोचा नहीं, हम प्रिजन्स पर भी ध्यान देंगे क्योंकि हमारी सबकी प्रिजन्स बैकग्राउंड है. एंड यू सी द पैनल विच वी हैव टुडे, वी हैव स्वाति साथे. She's the DIG in Yerwada prison. We have Sunil Gupta, who's a former law officer of Tihar and now a practicing lawyer. And then we have Monica Dhawan. She's the director of India Vision Foundation, jo kai 70 se zyada prisons mein kaam karti sansta, prisons ko aware, prisoners ko aware karti hai, seva karti, reforms karti. So hum log aaj, as a first round of our discussion, we will begin with, let's introduce ourselves individually. फिर हम आ जाएंगे कि आप आगे क्या सोचते हैं. स्वाति, कैन आई बिगिन विद यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द लिसनर्स. श्योर मैम, थैंक यू मैम, एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. मेरा नाम स्वाति साठे है, मैं महाराष्ट्र प्रिजन की DIG हूँ. मैं प्रिजन काडर से ही हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं जेल ऑफिसर हूँ और 20 साल तक जेल सुपरिंटेंडेंट मैंने काम किया है. उसमें आथर रोड, नासिक रोड जैसे बड़े बड़े जेल भी हैं और अभी मैं पिछले 14 साल से DIG प्रिजन्स हूँ और महाराष्ट्र के 60 में से 20 प्रिजन्स अभी मैं हेड कर रही हूँ. थैंक यू स्वाति. सुनील, योर टर्न, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी. मैं सुनील कुमार गुप्ता मेरा नाम है और मैंने करीब करीब 35 साल जो है दिल्ली की जेलों के साथ काम किया है और रिटायरमेंट 2016 में मैं रिटायर हुआ. उसके बाद से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. देयर आफ्टर आई हैव रिटन ए बुक ऑन माय एक्सपीरियंसेस विद तिहाड़ जेल. दैट बुक इज ब्लैक वरंट एंड दैट बुक इज बीइंग फिल्माइज्ड एज वेल एज सीरियलाइज्ड ऑन द स्क्रीन. देन आई हैव आल्सो रिटन ए बुक ऑन द प्रिजन्स लॉ. That is also very popular. And another book I have written for the judges and advocates. That book is Rights of Prisoner. So this, with this small introduction, Thank I am you. Moving. Yeah. See, we have such an expert who's written and authored books on prisons. So practicing prison official earlier, and then he started to write and become an author. A very famous books. One of the most famous one is Black Warrant. Yes. Okay, Monica, your Thank turn. You. Please introduce yourself. Good evening, ma'am. I'm Monica Dhawan. I'm a social worker and director of India Vision Foundation. From past 30 years, the foundation has been working towards reformation and rehabilitation of prisoners. And also we are nurturing and educating the children of prisoners to save them from becoming victim of their parental incarceration. Aaj sanstha pradesh ke bahut sari jailon mein kaam kar rahi hai through various programs. Thank you, Monica. Can I begin with you, Sunil, since you are the law yes, expert. So, batao, kanoon jo naya aaye hain, ye kya mahol hai aur prison par hum log do rounds mein jayenge, kuch aap bata do,
कुछ हम थर्ड राउंड में समिंग अप में लेटर आएंगे यार, इमीडिएट क्या है इन कानूनों का फर्क क्या है? अगर मैम, अगर मैं इसको प्रिजनर के हिसाब से अगर इसको मैं कानून को विजुलाइज करता हूं, तो दीज आर हैवली लोडेड अगेंस्ट द प्रिजनर। बेशक इसका नाम जो है जैसे पहले नाम इनका था इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड कुछ भी डिनोट नहीं करता था, इन्होंने उसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया। इट मींस वी आर स्पीकिंग अबाउट द जस्टिस। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने जो टाइटल चेंज किया है। पर मैम, अगर मैं इस पे इंडियन पीनल कोड पे भी आता हूँ, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसमें, जैसे इन्होंने सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में किया है, पहले सीआरपीसी में सेक्शन 73 था जो जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बोलता था, अब नए उसमें जो है ये सेक्शन 11 आ गया। मैम, सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, स्वाति साठे जी मुझे बताएंगे, पिछले 40 साल में किसी को भी आज तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट किसी कोर्ट ने नहीं दिया। तो इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविजन रखने की पहली बात तो है क्या जरूरत थी, क्योंकि ये चीज सोलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविजन इन्होंने रख के इन्होंने एक लोगों को फ्री हैंड दे दिया है कि जब एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो सकता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट का, तो आप भी प्रिजनर को आइसोलेशन में रखो, जेलों में उनको आइसोलेशन में रखो। और वो मैं देख रहा हूँ वो होता है, मेरे ख्याल लगता है आगे होता भी रहेगा, पर इस सोलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविजन रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा के केस में ये कहा हुआ है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट इनह्यूमन और टॉर्चरस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही और फिर ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविजन रखना, ये मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने क्यों रखा है। दूसरा मैम, अब मैं उस पे सीआरपीसी पे आ जाता हूँ, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। इसमें हैंडकप्स के बारे में इन्होंने कहा है, हैंडकप्स के बारे में मैम सुप्रीम कोर्ट ने बीसीओ जजमेंट में ये कहा है, सुनील बत्रा, प्रेम शंकर शुक्ला, सुनील बत्रा टू, बीसीओ जजमेंट में ये कहा है कि हैंडकप्स पहली बात है होने नहीं चाहिए, अगर आप लगा भी रहे हो तो इसमें आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। अगर जेल सुपरिटेंडेंट भी उसको किसी को हैंडकप लगा रहा है तो विद इन टू डेज, अगर इमरजेंसी में लगा रहा है तो विद इन टू डेज उसको जो है कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है। पर अब इन्होंने ओपन कर दिया हैंडकप, अब आप किसी को भी हैंडकप लगा सकते हैं। ये सिचुएशन पहले होती थी जब ये 80 से पहले की ये सिचुएशन होती थी, जबकि बड़ा फ्री होता था हैंडकप लगाना। मैं आपको तिहाड़ जेल का बताऊं, तिहाड़ जेल में जिसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट होती थी उसको पहले दिन से उसको फेटर्स और हैंडकप्स में लगा के रख देते थे। जब इसको चैलेंज किया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल इनह्यूमन है, टॉर्चरस है, इलीगल है, तो उसके बाद ये हैंडकप्स वगैरह लगानी हमने बंद की थी। पर इस हैंडकप्स को इतना फ्री हैंड दे देना पुलिस को, या पुलिस को अगर कोई चीज दी है तो जेल अथॉरिटीज के ऊपर तो आएगी आएगी, इतना फ्री हैंड दे देना मुझे लगता है कि ये वाजिब नहीं था इसमें, क्योंकि इसमें पूरे सीआरपीसी में और आईपीसी में इन्होंने प्रोविजंस प्रिजनर के खिलाफ इतने सख्त कर दिए हैं, जो प्रिजनर्स का रोल है उसको इन्होंने बहुत कम कर दिया। मैं आगे बताऊंगा इसमें कैसे हुआ। इसके बाद आप देखें मैम, ये एक तो अच्छी बात की है इन्होंने जो कम्युनिटी सर्विस की बात की है, हालांकि दिल्ली में कई कोर्ट्स जो है कम्युनिटी सर्विस पहले भी दे रही थी, अब इन्होंने इसका लीगल प्रोविजन कर दिया कम्युनिटी सर्विस का, ये अच्छा किया है। पर इसके साथ साथ इन्होंने जो पहले मैजिस्ट्रेट की पावर होती थी 10,000 का ये फाइन इम्पोज करने की, उसको इन्होंने इनहेंस कर दिया है, वो उसको 50,000 तक जो है वो उसको जो है फाइन जो है वो इम्पोज कर सकता है। इसके अलावा मैम, जो रेमिशन की पावर थी, मतलब रेमिशन की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि आर्टिकल 73 में प्रेजिडेंट के पास है और 161 में गवर्नर के पास है, इन्होंने उसमें ये अनफेटर्ड है, ये वाली पावर जो गवर्नर साहब और राष्ट्रपति जी के पास है ये पावर जो है अनफेटर्ड है। पर यहाँ पे इन्होंने इसको फेटर लगाने की कोशिश की है, जैसे इन्होंने कहा है कि किसी की डेथ सेंटेंस को आप कम्यूट करते हो, पहले जैसे 433 ए होता था मैम, 432 और 433 होता था, वो उसको इन्होंने अब ये फेटर लगाने की कोशिश की है। इन्होंने अब ये कह दिया है कि आप जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लाइफ है उसको 7 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
जो 7 साल है उसको 3 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फाइन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट को आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने फैक्टर्स लगाने की कोशिश की है गवर्नर्स की पावर को, और प्रेसिडेंट की पावर को तो मैं नहीं कहूंगा, गवर्नर्स की पावर को इन्होंने फैक्टर्स लगाने की कोशिश की है। इसके बाद मैम इन्होंने 101 रेमिशंस का जो है जो प्रिजन की रेमिशन थी उसमें इन्होंने जिसके जो उसके लिए मर्सी पेटिशन वगैरह मूव करते, खासकर ये खैर डेथ सेंटेंस के प्रिजनर के बारे में है, उसमें इन्होंने मर्सी पेटिशन का प्रोविजन जो है इसमें दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया है। क्योंकि पहले मर्सी पेटिशन जो है मर्सी पेटिशन के बारे में वो तो गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट की थी पर वो सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट नहीं की थी, अब इन्होंने वो पावर्स जो है सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसमें टाइम लिमिट दे दी है कि कितने टाइम में वो आपको पेटिशन को डिस्पोजल करना है। प्रेसिडेंट के ऊपर पावर नहीं दी इन्होंने, बाकी जो स्टेट है स्टेट को कह दिए कि आपने 2 महीने के अंदर अंदर सारा केस एग्जामिन करके उसको प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो है पुट अप करना है। इसके बाद मैम इन्होंने जो इस जो पब्लिक सर्वेंट है इसको मैं कहूंगा ये अच्छा है। पहले क्या होता था हमारा जो प्रिजन एक्ट है उसमें जो एरेंट जेल स्टाफ होता है उनको सेक्शन 200 में हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अगर कोई अनऑथराइज एब्सेंट रहता है या बार बार अपनी ड्यूटी से जो है वो बार बार डेरिलिक्शन करता है ड्यूटी से, तो उसकी प्रोसिक्यूशन की पावर थी जो कि हम सेक्शन 200 में उसको हम प्रोसिक्यूट करते थे 200 सीआरपीसी में। अब इन्होंने उसमें ये कर दिया है, एक तो इसमें कह दिया है कि आप उसको अगर करते हैं प्रोसिक्यूट करते हैं तो कोर्ट जो है पहले उससे पूछेगी। उस पहले क्या होता था कि जैसे मैंने अगर एज ए सुपरिटेंडेंट जेल मैंने किसी स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट डाली है तो कोर्ट जो है उस कंप्लेंट का कोग्निजेंस ले लेती थी, पर अब इसमें एक अच्छी सेफगार्ड ये कर दी है कि वो कंप्लेंट का कोग्निजेंस तब तक नहीं लेंगे जब तक कि वो जो अफेक्टेड पार्टी है जो उसमें जिसके खिलाफ कंप्लेंट है जो एक्यूज्ड है जब तक उसको वो सुन नहीं लेते तब तक वो जो है उसके कंप्लेंट का कोग्निजेंस नहीं लेंगे। ये अच्छी बात होगी। एक और बात थी मैम जो करप्ट स्टाफ होता था जब उनको पकड़ा जाता था तो उसमें कोर्ट जो है सैंक्शन मांगती थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट से वो कहते थे कि हमें सैंक्शन दो इसको करने की। और मैंने देखा था जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व होता था तो उसमें हम बड़ा डिले कर देते थे उसको, हम उनको बताते नहीं थे जिससे कि वो केस जो है काफी बैडली अफेक्ट होता था और एक्यूज को जो है उसमें फायदा होता था। अब इन्होंने टाइम लिमिट उसमें डाल दी है कि अगर आप 120 दिन में अगर आप उसका जो है सैंक्शन नहीं देते तो अब जो है कोर्ट ये समझेगी कि आपकी इम्प्लाइड सैंक्शन है। ये इन्होंने काफी अच्छा किया है क्योंकि पहले काफी करप्ट ऑफिसर जो होते थे वो बच जाते थे, अब वो नहीं बचेंगे। एक और अच्छी चीज ये की है कि पहले हमारे यहाँ वर्ड होता था यूज ल्यूनेटिक, क्रिमिनल ल्यूनेटिक या मेंटली रिटार्टेड, अब क्रिमिनल ल्यूनेटिक ना करके उनको इन्होंने वर्ड जो किया मेंटल अनसाउंडनेस के साथ उसको किया है, और जो मेंटल रिटार्डनेस थी मेंटल रिटार्डनेस को अब इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह दी है। ये एक वर्डिंग की है जो कि बड़ी सॉबर जो वर्डिंग है वो कर दी है। बाकी इसमें मैम जो एक और ये लास्ट मेरा है बस ये मैम कि जो हाँ अब इन्होंने सुप्रीम जेल की एक ड्यूटी कर दी है, हमने तिहाड़ से ही शुरू किया था इसमें, क्योंकि 80% पॉपुलेशन जो प्रिजन्स की होती है वो होती है गरीबों की, 80% से ज्यादा होती है जिनके की मंथली इनकम जो है 8,000 से ज्यादा नहीं है। 80% पॉपुलेशन ऐसी होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके वकील नहीं होते, तो उसमें एक 436A का प्रोविजन किया था और पहले उसमें ये कहा था कि जैसे कोई हाफ सेंटेंस जैसे जो अंडर ट्रायल है उसकी मैक्सिमम उसमें सजा जो है 3 साल है या 5 साल है,
अगर वो 2.5 साल उसने जेल में काट लिए हैं तो उसका केस बेल के लिए हमें कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती थी। अब इसमें जो अच्छी बात ये कर दी, उसको 1/2 को घटा के 1/3 कर दिया और ये सुपरिटेंडेंट जेल की ड्यूटी लगा दी है कि आप उसका केस कोर्ट में लेके जाएंगे और कोर्ट को कहेंगे कि आप अगर इसके फैक्ट्स परमिट करते हैं तो आप इसको बेल दे दो। तो ये मेरे मेन इसमें ऑब्जर्वेशन थी। सो सुनील, इफ आई वुड राइट समिंग अप व्हाट यू सेड, नंबर 1 इज कीपिंग द प्रोविजन यू हैव, दे हैव केप्ट द प्रोविजन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी नंबर 1 जी, उन्होंने हटाया नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रोविजन रखा हुआ। प्रोविजन मैंने मेरी समझ में ये है कि अगर प्रोविजन रखते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आपके पास प्रोविजन है। अगर जरूरत, देख ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, और वो प्रिजनर भी शोर मचा सकता है। आपको भूल गए हो आप सुनील, जब हम लोग तिहार में इकट्ठे काम करते थे, कितनी सख्त जरूरत थी गैंगस्टर्स को अलग अलग कमरे में रखने की। ज्यादा जी 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 जी, अगर ये ना होता तो क्या हम कर पाते? मैम हमने इसमें नहीं किया था, हमने सेग्रीगेशन किया था अंडर द प्रोविजन ऑफ जेल मैनुअल। नहीं याद है, वो हमें हाई कोर्ट में ले गए थे और क्या दिया था, अलग रखा सॉलिटरी। तो हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि नहीं आपको सेग्रीगेट कर सकते। बेसिकली हमने क्या किया था, हमने उनको भीड़ से हटा के एक एक कमरे में, एक एक रूम में रख दिया था। उसको वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कह सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि कानून को लाना बड़ा मुश्किल है, हटाना बड़ा आसान। अगर हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखी है तो शायद इस विजडम में रखी है कि इस वक्त अगर अल्टीमेट केस, आपको याद है किस तरीके से गैंगस्टर्स किस तरीके से अंदर से क्राइम करवाते थे, जब हमने उनको थोड़ी थोड़ी देर भी अलग अलग कमरे में रखा तो उसको आप सॉलिटरी भी बोल सकते हो और आपको इंडिविजुअल सेपरेट कन्फाइनमेंट भी कह सकते हो। लेकिन सवाल इतना है कि जो भी प्रिजन ऑफिशियल करे उसकी नियत बड़ी जरूर चेक करी जाती है। और आपको याद होगा कितनी रिलीफ मिली थी, क्योंकि उसके बाद हमने काउंसलर भेजा, उनको किताबें भेजी, उनको लुक आफ्टर किया और उनका ध्यान भी रखा, और धीरे धीरे उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी कि बख्श लो, हम आगे से ये कंटेमिनेशन नहीं करेंगे, हम गैंग नहीं अंदर बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपका व्यू अपने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं सेग्रीगेशन में फर्ज है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेशन। मगर जब सेग्रीगेट करते हैं तो उसको एक अकेला करते हैं ना, अकेला रखते हैं ना, ताकि वो अपना गैंग ना बनाए। तो एक तो ये, दूसरा तुमने जो बोला सुनील आपने हैंडकफिंग का, हैंडकफिंग में जेनरिक परमिशन नहीं है, हैंडकफिंग में ये है यूज हैंडकफ व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और प्रोड्यूसिंग सच पर, कौन सा वाला, कीपिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, और कौन से क्राइम में वो इन्वॉल्व अगर हो, टेररिस्ट एक्ट में, ड्रग रिलेटेड क्राइम में, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइंस, करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिक, सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें बिल्कुल क्लियर है। इसमें बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया सेक्शन 43(3), इसमें दिया है, ये बड़ा लिमिटेड है। अच्छा, इसमें भी मेरा व्यू अगर आपको, मैं आपको याद होगा, अब नाउ एज अ पुलिस ऑफिसर मैं बता सकती हूँ कि कितने गंदे गंदे हाथों से पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे की मुट्ठियों को बंद करते थे और एक दूसरे का पसीना और बीमारी ट्रांसफर करते थे। तो क्या करोगे कोविड टाइम्स में, जब आपको कहते हो आप डिस्टेंस रखो, एक दूसरे को टच मत करो, क्योंकि पसीना एक दूसरे को इन्फेक्शन देता है वो। तो मैं ये कहूंगी हैंडकफिंग इन्होंने जनरली नहीं किया, इन्होंने ये स्पेसिफिक ऑफेंसेस में किया जो मैंने आपको जिक्र किया। पर मैं कोर्ट का नहीं किया, इन्होंने कोर्ट का रोल बिल्कुल खत्म कर दिया। जब एक बार कोर्ट के आगे पेश कर दिया मैम, तो कोर्ट परमिशन लेनी चाहिए। हाँ, उस पर कोर्ट के सामने भी आप रख सकते हैं, ये है। तो यू हैव अ व्यू एज अ लॉयर, आई हैव अ व्यू एज अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, कि कई बार कैसे लोग से आप डील कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है दुनिया में। आप ना करो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर करने की जरूरत पड़े तो कानून तो है ना। लेकिन सवाल उठता है आप किस नियत से कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, उसको चढ़ाने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको पनिश करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसको संभालने के लिए। बैक टू इंटेंशन, एवरी लॉ इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंशन। सो मेरी सुनील, आपका व्यू ये है, मेरा व्यू इस पर हैंडकफिंग का। सेकेंड व्यू, आपका व्यू भी अपने तरीके का है, मेरा व्यू फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग पुलिस ऑफिसर है।
के हैंड कफिंग जरूरत थी, क्योंकि एक दूसरे का पसीना और गंदगी लेते थे एक दूसरे को हाथों में, और कईयों को मुश्किल होती थी कि करो करे क्या, हाथ में पसीना, और गर्मियों में आपको देखा ह्यूमिडिटी। बाकी पॉइंट्स आपने रिमिशन, मर्सी पिटिशन, पब्लिक सर्वेंट के बारे में, करप्ट स्टाफ की सैंक्शन के बारे में, उसको उन्होंने टाइम लिमिट किया है, और डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, सेइंग नाउ इट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और सुपरिंटेंडेंट की जेल लिमिट। सो आई वांट टू थैंक यू, ये सारे पॉइंट्स आपने जो दिए हैं, ये मैं सुनने वालों को ये एंगल, लीगल एंगल पता चल जाएगा। जी थैंक यू मैम। आओ आओ, तो स्वागत, आप तो ऑथर हैं और आपका पूरा हक है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर अपना पर्सपेक्टिव दें, लेकिन हम इस वक्त लिसनर्स को दोनों पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, लीगल प्रैक्टिसिंग भी और उधर की रियलिटी के लिए भी कि क्यों। फाइनली इट विल डिपेंड ऑन डिटेंशन। स्वाति अब आप बताओ, एज ए डीआईजी प्रिजन महाराष्ट्र, आपका क्या व्यू है इन कानूनों पर? यस मैम, मैंने सुनील जी की बातों को सुना है, और इन्होंने जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और हैंडकफिंग के बारे में बोला है, मेरा मत उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पावर होनी चाहिए मैडम, आज के जमाने में ह्यूमन राइट्स है, प्रेस है, सोशल मीडिया है, इतना प्रेशर होता है, तो कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके बाद में अब प्रिजनर तो पहले प्रोड्यूस होता था, नहीं होता था, बट अब तो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर 14 दिन में प्रोड्यूस हो जाता है, तो अपनी तकलीफें कहने का उसको टेक्नोलॉजी से भी हक मिलता है जज के सामने। जो टेररिस्ट है या नक्सल है या हार्डन प्रिजनर्स है, वो जेल के अंदर आने के बाद में भी ये कोशिश करते हैं कि वो गुटों को प्रभावित करे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सबकी जेल इतनी ओवरक्राउडेड है कि एक बड़ा सा मतलब उनके अंडर ग्रुप आ जाता है, उसमें ऑफेंडर्स भी हो सकते हैं, तो वो प्रभावित ना हो उनकी बातों से, इसलिए उनका सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ना हो, लेकिन सेपरेशन होना जरूरी है। और मैडम मेरे को इसमें और अच्छा, बीएनएस और बीएनएसएस में ये बहुत अच्छा लगा है कि कहीं ना कहीं जेल सुपरिंटेंडेंट को पिक्चर में लाया गया है। पहली बार इसमें प्रिजन क्या है, बोस्टर स्कूल क्या है, ये डिफाइन हुआ है, जो हम अभी तक अपने एक्ट या अपने मैनुअल में करते थे, लेकिन अब ये पैन इंडिया होगा कि व्हाट इज प्रिजन, व्हाट इज बोस्टल स्कूल, ये सबसे बढ़िया है। मेरे को भारतीय न्याय संहिता में ये सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आर्बिट्री अरेस्ट नहीं है। अभी कोई वीआईपी किसी रोड से जा रहा है और उसको ड्रग एडिक्ट दिख गए, फुटपाथ पे पड़े हुए, सबको उठाओ और जेल में डालो, ये किस्सा अब नहीं होगा। सीनियर ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस होगा तो ही उसकी अरेस्ट होगी। तो इससे मैडम जेल का जो है ना, वो ओवरक्राउडिंग बहुत कम होगा, तो हमारे को भी थोड़ा ब्रीदर मिलेगा, स्टाफ को भी थोड़ा ब्रीदर मिलेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा असली उद्देश्य है ना, हम इसी कारण ये ओवरक्राउडिंग से, उसी कारण जो हमारी सुधार की पॉलिसीज है या रिफॉर्म्स है, रिहैबिलिटेशन है, उससे जो भटक जाते हैं ना, ये बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग है, क्योंकि हमको इतनी क्राउड मैनेजमेंट करने में सुबह से शाम हो जाती है, उनका खाना देखना, उनको हॉस्पिटल देखना, कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जैसे मोनिका जी चलाती है वो चला नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। तो ओवरक्राउडिंग कम होगा, आर्बिट्री अरेस्ट कम होगी, तो सभी के ऊपर से, जेल है, न्यायालय है, पुलिस है, सबके ऊपर से बर्डन कम होगा, तो हम हमारे सुधार प्रयासों में पूरा पूरा अपना लक्ष्य लगा सकेंगे। इसमें अभी सुनील जी ने जैसे बताया कि डेथ प्रिजनर्स का पूरा SOP बना दिया है, अब किसी की मर्जी से नहीं चलेगा, अब कानून से चलेगा, उसको टाइम लिमिट दे दी गई है, नहीं तो बरसों निकल गए बस एक ही इसके पीछे लगे हुए हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट के विचार की। हाँ, और इसमें एक मेरे को बहुत अच्छा ये भी लगा कि उन्होंने जैसे ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कोर्ट ने डेथ पेनल्टी कन्फर्मेशन, वैसा डायरेक्ट जेल सुपरिंटेंडेंट को आएगा, नहीं तो पहले गवर्नमेंट को आता था, फिर DG को आएगा, फिर रीजनल DIG को आएगा, फिर जेल को जाएगा, तो गवर्नमेंट एंड जेल सुपरिंटेंडेंट, उनको इन्हें एट पार ला के रखा है, और जेल सुपरिंटेंडेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी है पूरा BNS में, BNSS में, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसने SOP लाइव है। उसके बाद में मैडम प्रीमैच्योर रिलीज का भी पूरा प्रोसीजर बना दिया है सुनील सर ने, अनसाउंड माइंड का तो ये कर ही दिया है। और उसके बाद में मैडम सबसे बढ़िया बात इसमें है जो कम्युनिटी सर्विस इन्वॉल्व की गई है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, स्मॉल ऑफेंडर है, इसके लिए कम्युनिटी सर्विस
उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है जो गलती करता है, और उसके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर कोई कम्युनिटी सर्विस कर रहा है तो उससे देख के 100 लोग, एक बार जेल के अंदर डाल दिया, चार दीवार के अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं होगा, वो अच्छा रह रहा है, बुरा रह रहा है, 7 स्टार 5 स्टार रह रहा है या बदतर जिंदगी जी रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर बंदा गलती करेगा, कम्युनिटी सर्विस करेगा, तो उसके भी मन पे जेल का बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा, और कम्युनिटी को भी थोड़ा डिटरेंस होगा कि अगर मैं गलती करूँ तो शायद मुझे भी ये करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो इसके अंदर लाई गई हैं, और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि प्रिजन क्या है ये डिफाइन किया। थैंक यू स्वाति, आपने जो मेन हाईलाइट किया है इस टेक्नोलॉजी यूज का, क्योंकि प्रिजन शुड नाउ प्रिपेयर एटलीस्ट टेक्नोलॉजी रूम्स होने चाहिए, क्योंकि मेनी प्रिजनर्स वुड वांट नॉट टू अपीयर बट टू बी अपीयर बिफोर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये हर एक प्रिजन में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बन चुके हैं, बट ज्यादा से ज्यादा अब यूज होंगे, दैट मीन मोर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। एंड सेकेंड पॉइंट इज ब्रिंगिंग सुपरिंटेंडेंट पोजिशन इन फोकस, उसको स्टेटस दिया, उसकी वैल्यू दी, उसको रिकग्नाइज किया। थर्ड, आर्बिट्ररी अरेस्ट खत्म होने की वजह से क्राउडिंग जरूर खत्म होगी। चौथा, आपने जैसे सुनील गुप्ता जी ने भी बोला कि हर चीज की अब टाइम लिमिट हो गई, रिमिशन की भी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, लेकिन पनिशमेंट के बारे में कितनी कितनी उसने पनिशमेंट ले ली है उसका टाइम लिमिट का अनाउंस करना, जेल को कोर्ट्स को बताना अब सुपरिंटेंडेंट की भी जिम्मेवारी है। तो इस तरीके से आपने यू हैव हाईलाइटेड सम ऑफ दिस पॉइंट्स बिसाइड सेइंग अदर्स। Let me now go to, I was just summing up what you were saying. Now, can I go to Monica? Monica is neither a law practitioner, nor is she a superintendent, a DIG superintendent like Swati, but she is running an NGO, India Vision Foundation, running for. Yeah. Monica, now let me have your community perspective. You and your team go and work inside the prisons. So tell us, aap kaise is law ko use karo? मैम, क्योंकि इंडिया विजन फाउंडेशन की जो अप्रोच है वो रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेटिव अप्रोच है, तो जो दो लॉ मुझे लगता है कि जो हमारे इनमेट्स के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, तो पहला लॉ जो मैम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो स्टिग्मा है जो इनमेट्स पे लग जाता है उससे वो बच जाएंगे। साथ के साथ छोटे क्राइम्स में जब वो अंदर आते हैं तो मॉरल कंटामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो वनरेबल होते हैं जेल के अंदर, तो अगर वो कम्युनिटी सर्विस में लग जाएंगे तो उनका वो मॉरल कंटामिनेशन भी बच जाएगा, और क्योंकि कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो ओवर क्राउडिंग जो है, जैसे कि अभी सर ने भी कहा और मैम ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से आते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि किस क्राइम में वो जेल के अंदर आ रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं स्टिग्मा से बच जाएंगे, और जो मॉरल कंटामिनेशन है उससे भी उनसे भी बचाव हो सकेगा। लेकिन मैम, अभी जैसे कि मैम ने कहा कि बाकी सब प्रोविजंस में SOP डिफाइन है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो अभी इसके क्लियर डेफिनेशन या गाइडलाइंस नहीं दी गई है कम्युनिटी सर्विस के बारे में, तो अभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसकी डिफाइंड प्रोविजंस के बारे में गाइडलाइंस होनी चाहिए, सो दैट इसका सही इस्तेमाल हो जाए। तो ये पहला है। दूसरा मैम, अगर मैं रिफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जो प्रोविजन है जहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की जो बेल की प्रोविजन है वो 1/3 हो गई है, और उसका जो प्रोविजन है वो सुपरिंटेंडेंट के हाथ में, तो वो एक अच्छा मूव है, क्योंकि जो इनमेट्स जेल के अंदर गुड कंडक्ट करते हैं और साथ के साथ रिफॉर्मेशन एक्टिविटीज में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और रिफॉर्म होने की कोशिश करते हैं, तो सुपरिंटेंडेंट उनकी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो ये एक रिफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनमेट्स रिफॉर्मेशन में ज्यादा जा रहे हैं उनके लिए हम एक मोटिवेशन बन सकते हैं कि अगर आप अच्छा कॉन्डक्ट रखते हैं और आप अच्छे रिफॉर्मेशन एक्टिविटीज में या स्किल लेते हैं तो आपको सुपरिंटेंडेंट ये आपके लिए रियायत लेकर आ सकते हैं। तो कम्युनिटी प्रोस्पेक्टिव से ये दो चीजें मुझे लगता है कि अच्छी इसमें ऐड हुई है मैम। वेरी गुड मोनिका, तुमने बोला एक तो ऑफकोर्स यू अवेट गाइडलाइंस ऑन कम्युनिटी सर्विस, लेकिन ये फायदा ये होगा कि वो अगर जेल में कम टाइम काटेंगे तो कंटेमिनेशन कम होगी, क्योंकि इनके गैंग बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, दोस्तियां बनती हैं, वो कम हो जाएंगी। और अगर आप जैसे NGOs अंदर लगे रहे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे और NGOs भी काम करते हैं और आपकी रेगुलर काउंसलिंग और गाइडेंस, बट सबसे ज्यादा आपकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ ने
स्वाति ने भी बोला, जेल सुप्रिंटेंडेंट को एम्पावर कर दिया कि अगर तुमने अच्छा कॉन्डक्ट भी रखा तो अब वन हाफ पनिशमेंट से वन थर्ड अगर हो जाए, और अगर आपकी रिकमेंडेशन जाए और कहा जाए कि इसका गुड कॉन्डक्ट है तो उसकी रिलीज अर्लियर हो सकती है ना सुनो? जी सुनो? बिल्कुल जी। अब वन थर्ड के बाद जो है उसका केस जो है कोर्ट के आगे दे सकते हैं कि इसको बेल पे छोड़ दिया जाए। यस, फर्स्ट ऑफेंडर का भी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करते हैं और जो इतने सर्टिफिकेट्स जेल में लेते हैं स्किल डेवलपमेंट के या योगा ट्रेनिंग के, तो आई थिंक दैट बिकम्स द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सुपरिटेंडेंट आल्सो टू प्रेजेंट हिज ऑन द केस। परफेक्ट। सो दैट बेसिकली मींस मोनिका वी मस्ट मेक श्योर ऑल द थ्री, स्वाति आल्सो एंड इवन सुनील, we must make sure कि ये data system up prison staff में जरूर हो, अपना data entry होनी जरूरी है, इस कब आया, इसकी punishment कब खत्म हो रही है, one third कब खत्म हो रही है, half कब हो रही है, appeal कब हो रही है, ये किस activities में जा रहा है, ये first offender है, इसी अब first offender है तो ये record बताता है, अब prison के लिए तो first offender होगा, हो सकता है police में record दूसरा हो जो prison को ना बताया गया हो। Now it also calls for a coordination between prison and police because he may have offended earlier but prison mein to pehli baar aaya, so prison police ka data to prison ko nahi aayega na. Now it is also case of coordination of data between the prison and the police, jo ki maine nahi samjha ki hua abhi tak. There is no coordination, I'm not aware, ho sakta hai ki coordination, but there is now a need. If you are talking of the first offender, then is that person the first offender? First prison pehle hai ki first offender according to police record. That means superintendent will not to have to be in the knowledge of his antecedents of his track record. Ye bahut important hai. Similarly, iska vice versa bhi hai ma'am. Iska vice versa bhi hai ki suppose jo police ne jab hamare paas bheja hai to uske upar ek hi offense lagaya hua hai aur hum usne usko फर्स्ट ऑफेंडर की उसमें कैटेगरी में रख दिया, पर हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा जो डेटा है वो दिखा रहा है नहीं, पहले भी एक दो केसों में आया और कन्विक्शन हुई है, तो उससे हम जो है उस सिचुएशन को, बल्कि पुलिस की सिचुएशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से। बिल्कुल, ये भी आता है, लेकिन हर गिरफ्तारी तो पुलिस के रिकॉर्ड में होगी होगी, हर गिरफ्तारी तो पुलिस के रिकॉर्ड में होगी होगी सीसीटीएनएस सिस्टम में, इसलिए नाउ वी नीड टू वर्क इफ सीसीटीएनएस वाज आल्सो लिंक्ड विद प्रिजंस, I think that will be help. I'm sure the Home Ministry will be looking at it. There needs to be a data coordination between now the police, courts and the criminal and the prisons. Yes, ma'am. Now through CCTNS, prisons, judiciary and police are connected and the process, it is in the process. So, ye ho raha hai. So, technology ka jyada se jyada ye hoga. मैं अभी भी बताना भूल गई, टेक्नोलॉजी में हैंडकफिंग, मतलब वो पुरानी स्टाइल सुनील जी, हैंडकफिंग करनी जरूरी नहीं है। नाउअडेज न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर, आप पैर में उसको एंकलेट ये बांध सकते हो, जो टेक्नोलॉजी से आपके हो, हाथ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम प्रिजनर्स को पैरोल और फरलो पे भी छोड़ सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। तो ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमिलिएट करके, क्या एंकलेट महाराष्ट्र ने यूज करना शुरू करा है एंकलेट? अभी हमें प्रायोगिक मतलब इस पे है मैडम अभी, पर हम जल्दी से जल्दी इसको पैरोल फरलो सिस्टम में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मतलब थोड़ा खतरा महसूस करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक कैदी हो तो उसको छोड़ने के लिए, पर हम ये समझते हैं कि अगर वो अपनी फैमिली में रहे, कम्युनिटी में रहे, तो रिलीज के बाद में उसके लिए आसान होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट to use this technology, aur jaisa ye humne half, are you trying, this is Maharashtra, are you bringing it by rules, are you bringing it by the rules in, yes, in the manual, because it's not, yes, in the law, it doesn't say in the law, but we are trying it to bring in the manual. Aur dusra ye half of the sentence ka tha, ye bhi hamare paas technology hai, jaisa hi kisi ka half sentence khatam hota hai to wo कंप्यूटर हमें अलर्ट दे देता है, बिकॉज जेल सुपरिंटेंडेंट रोल इज अगेन, मतलब मैंने जैसे बोला उसको हाईलाइट कर दिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, तो अब उसको हमको वन थर्ड में चेंज करना पड़ेगा। एंड डाटा एज यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के डेट में हमने महाराष्ट्र में सब जगह कियोस्क मशीन लगाए हैं, वहां से प्रिजनर ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन सी हर और हिज स्टेटस,
कि मेरी कितनी सजा हो गई है, मेरी नेक्स्ट डेट कब है, ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने कवर किया है। जा कियोस्क के बारे दोबारा बताएंगे कि क्या कियोस्क का काम? हर सर्कल में कियोस्क मशीन है, जितने भी प्रिजनर्स वहां पे हैं उनका सबका डाटा उसमें फीड है, वो अपने अपने नंबर से जाके कियोस्क मशीन ऑपरेट कर सकता है। जैसा कि हम एयरपोर्ट पे करते हैं, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा सीट नंबर क्या है, मेरा चेक इन वेब चेक इन वगैरह किया है, वैसा ही वो अपना नंबर डाल के सब चेक कर सकता है कि उसके ऊपर कितनी केसेस पेंडिंग है, कौन से कोर्ट में पेशी है, अगली कोर्ट की डेट कब है, अगर कन्विक्ट है तो उसकी कितनी सेंटेंस पूरी हो चुकी है, उसने कितनी रेमिशन अर्न कर ले ली है, कितनी बार पैरोल गया है, कितनी बार फरलो गया है, ये सब डाटा उसमें फीडेड है और प्रिजनर जब चाहे अपनी पूरी जानकारी खुद से ले सकता है। Are you aware of this, Monica? ये तो आपने यूपी के प्रिजन से आप जाते हो, हरियाणा प्रिजन में मैम, हरियाणा प्रिजन में जो सबसे पहला अपना फिनिक्स सॉफ्टवेयर किया था उसके जरिए उन्होंने ये लगाया हुआ है मैम, ये हर जगह पर है मैम, हरियाणा में तो मैंने देखा है। अपने नंबर से को हर प्रिजनर देख सकते हैं, मैंने बायोमेट्रिक्स है तो वो अपने अंगूठा लगाकर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इस कियोस्क के जरिए ले सकते हैं। जी जी, गुड। आर यू चेकिंग इज दिस हैपनिंग इन यूपी प्रिजंस व्हिच यू सी? मैम यूपी में अभी मैंने इतने देखा नहीं है ये कियोस्क सिस्टम ज्यादा। मेबी यू कैन डिस्कस दिस विद योर सुपरिंटेंडेंट कि आप इस पैनल डिस्कशन से एक्सपर्ट्स ने बताया, क्योंकि महाराष्ट्र में है, सो इफ दे कैन आल्सो अफोर्ड टू कैन हैव कियोस्क। जी, क्योंकि मैम आई चाइल्ड वर्किंग ऑन इट, मैम वो काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी ई प्रिजन सबके लिए मैंडेट हो गया है और एमएचए में भी काफी ई प्रिजन के ऊपर बातचीत हो रही है, एनआईसी से भी हो रही है, तो आई थिंक वो इस प्रोसेस में ही है करना मैम, सब कुछ बायोमेट्रिक के थ्रू ही होगा मैम, जिससे वो बायोमेट्रिक से एसेस करेंगे और प्रिजनर्स खुद ही अपना डेटा ले सकते हैं मैम। तो आई ना नई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रिजन अपने लेवल पे है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट अब हर प्रिजन अपने अपने लेवल पे है, लेकिन ये कानून ने सबको इक्वली उठा देना, सबको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, पैन इंडिया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू राइट टू द बेनिफिट ऑफ द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। राइट जी 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 मैम, पहले यही इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सॉरी मैम, पहले यही वाली इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनको ब्राइब करना पड़ता था जेल स्टाफ को, तो हमने ये वाला सिस्टम जो 2005 में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद इतना फर्क पड़ा कि खासकर कैदियों को तो बहुत फर्क पड़ा है, उनको पता होता है कि कब उन्होंने कितनी पैरोल ले ली है, कितनी बार फरलो पे गए हैं, कब उनकी नेक्स्ट पैरोल फरलो जो है कब उनकी एलिजिबिलिटी है, तो कितनी रेमिशन अर्न कर ली है, तो उनको कैदियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे। I think what is important is legal awareness, legal volunteers, paralegals, अगर ये भी जाते जैसे जाते हैं और legal panchayats, legal education देते रहे prisoners को उनके rights के बारे में, prisoners staff की duties के बारे में, prison staff वो भी उनके भी, क्योंकि पहले मुझे मालूम है कि एकदम prison superintendent को notice ही आ जाता था कि आप आ रही है, फिर से prisoner ने आपको शिकायत की, पेश हो जाओ, और प्रिजनर बड़ा खुश होता था, याद है सुनल? जी 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 जी, बिल्कुल, एक तरफ प्रिजनर खड़ा होता था, एक तरफ सुपरिटेंडेंट जेल खड़ा होता था, और प्रिजनर कहता था जी ये, मतलब ज्यादातर झूठे आरोप होते थे कि ये स्टाफ सुपरिटेंडेंट साहब जो है जेल में एक्सटॉर्शन करते, मतलब मुंह पे बोलते थे, झूठ बोलते थे, खासकर जो हैबिचुअल प्रिजनर है वो सिस्टम को ऐसे एक्सप्लॉइट करते थे, वो मुंह पे खड़े होके कहते थे कि ये तो जेल में स्मैक बिकवाते हैं, जेल में चरस बिकवाते हैं, पैसे एक्सट्रॉट करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, मतलब जो कि सारा गलत होता था। तो उसके बाद मैम हमने जब इनसे बात की, कोर्ट के रजिस्ट्रार्स वगैरह से बात की, उन्होंने कहा हम ऐसे सुप्रीम जेल को नहीं बुलाएंगे और पहले हम आपसे कमेंट्स लेंगे, कमेंट्स लेने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो तब बुलाएंगे, तो उसके बाद सिस्टम ये काफी स्मूथ हो गया था। वो तो आपकी गुडविल से, आपने मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की, लेकिन ये तो अब नेशनल लॉ हो गया, नेशनल लॉ हो गया। जी 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 जी, as Swati rightly said, ke superintendent ki bhi position ko recognize value kiya gaya hai, to usko, he is an important position, he or she, unko bhi raay li jaye, unka kya kehna hai, ji I think these are very valuable, it provides dignity to everybody actually, but I think Swati, what is important is, since you are in the prison, said so is Monica, very very important for accused to know aap sab kuch audio visual hai,
वीडियोग्राफ है, आप जो मर्जी कोट ऑफ कोर्ट में कहें, आपको कोई भी सलाह दे, आपका अब ऑडियो विजुअल खुल जाना है कोर्ट के सामने। इसलिए अंडरस्टैंड कि आपके खिलाफ जो एविडेंस है वो अब विजुअल बोलता है, ये नहीं कोई कागज में लिख दिया, कागज चेंज कर दिया, अब ये नहीं है वीडियो चेंज कर दिया। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी मस्ट नीड टू नो अब हमारे सिस्टम में कौन सी एविडेंस की वैल्यू होगी। अगर आपने प्रिजन में भी आपने बिहेव बेटर किया, रिफॉर्म्स में भी बेटर किया, आपका नॉलेज भी अच्छा है, सुपरिंटेंडेंट का भी डेटा अच्छा है, उसका उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है, इट्स हेल्पफुल बोथ वेज, और उनका भी बिहेवियर अच्छा है और उनका वो भी गलत करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि अब वो कैमरा पकड़ लेगा। प्रिजन का कैमरा इज एविडेंस, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रिजन का बिहेवियर या सुपरिंटेंडेंट और किसी स्टाफ का बिहेवियर कैमरे में पकड़ा जाएगा। कोर्ट कैन कॉल फॉर इट कि इस इंसिडेंट का कैमरा का एविडेंस हो। सो आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नाउ कलेक्टिवली मेकिंग अ ड्यूटी, हर एक कोई अपने अपने सिस्टम को और इंफॉर्म्ड रखे, एजुकेट करे, सेंसिटिव करे, नॉलेजेबल बनाए, और पता है कि कौन सी चीज एंड में काम आनी, कौन सी चीज काम नहीं आनी। झूठ नहीं काम आएगा, अब ज्यादा एविडेंस काम आएगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, जो कि झूठ नहीं बोलेगा। आई थिंक दैट्स आवर रोल। इसी में ये है, पहले के जब जब मैं ज्वाइन हुई थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रिजनर के ऊपर थी कि वो खुद को अच्छा ठीक करे। उसके बाद में गैंग और टेररिज्म का जमाना आया तो जेल स्टाफ, जेल सुपरिंटेंडेंट उनसे डरने लगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सीसीटीवी है, अब कोई जेल स्टाफ भी गलत बिहेव नहीं कर सकता, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नहीं करता, कर सकता है, एज वेल एज प्रिजनर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ सीसीटीवी कवरेज पता चली है कि अगर मैं कुछ मिसबिहेव करूंगा, मारामारी करूंगा, सेलफोन यूज करूंगा या ड्रग्स यूज करूंगा जेल के अंदर, तो कैमरे की नजर मेरे ऊपर भी है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है, तो किसी को किसी से डरना नहीं है, सबको साथ आगे बढ़ना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली इट इज वी आर ऑल अंडर अ वॉच। यस, नाउ एवरीबॉडी इज अंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वाति एंड सुनील एंड इवन मोनिका, जब आप ऐसे करो प्लीज टेल देम कि सीसीटीवी जो है इसको देखना जरूरी है, इसको सेव करना जरूरी है, इसके एक्सेप्ट लगाने जरूरी है, इसको प्रिजर्व करना जरूरी है, इसको एनालाइज करना जरूरी है। ये नहीं रिकॉर्ड हो जा रहा। कंट्रोल रूम शुड बी प्रॉपरली वॉच्ड, और उस वक्त जो एक्सेप्ट है उसको फ्लैगिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये एविडेंस कभी भी मांगा जा सकता है। यस मैम, आई थिंक दीज आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। एनी लास्ट वर्ड सुनील बिफोर वी क्लोज। सुनील जी, मैम ये जो जो चेंजेस वगैरह हुए हैं, ओवरऑल जो जस्टिस सिस्टम जो है इसको ये स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि कई चीजें जो है टाइम बाउंड कर दी हैं, जैसे एडजर्नमेंट जो है केस की दो बार से ज्यादा नहीं होगी। पहले क्या होता था, किसी ना किसी ग्राउंड के ऊपर एडजर्नमेंट लेते रहते थे, तो उसके ऊपर इन्होंने कैप लगा दी है। और इसमें ज्यादा अच्छा मैम ये होता, मैंने बल्कि कई केसों में भी आर्गू किया इस बात को, कि अगर ये कैप लगा देते, जैसे चोरी का केस है, इसको एक साल में आपने खत्म करना ही करना है। ये विदेशों में लगी हुई है, 302 का केस है, इसको आपने तीन साल में खत्म करना ही करना है। 376 का केस है, तो इसको आपने दो साल में खत्म करना ही करना है, अगर ये कैप लगा दे। और अगर इसे ज्यादा टाइम लगता है तो उसमें जज को भी रीजन देना होगा कि क्यों डिले हुआ, और अगर इनऑर्डिनेट उसमें डिले हुआ है तो उसमें कंपेंसेशन का भी प्रोविजन होता है। मैंने देखा है मैम कि जो इंडियन चीजें हैं, इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अगर आप कंपेंसेशन का प्रोविजन रखते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट है, इसमें इन्होंने कंपेंसेशन का प्रोविजन, जब तक ये इंप्लीमेंट होता रहा मैम, इतना तेजी से भागता था कि सब चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी। अब इन्होंने उस पर वीक हो गए थोड़ा, तो आरटीआई की काफी ज्यादा उसमें डाइल्यूशन हो गया। तो इसमें भी अगर ये बहुत अच्छा होता कि अगर ये रखते हुए इतनी देर में ट्रायल आपने खत्म करना है, अगर ट्रायल खत्म नहीं होता मैम, एक्यूज का भी राइट है, विक्टिम का भी राइट है, तो उसमें अगर एक साल में नहीं हुआ तो आप एक्यूज को कंपेंसेशन दे या ना दे, विक्टिम को कंपेंसेशन देंगे। और अगर इनऑर्डिनेट डिले किया है तो उसमें एक्यूज को भी कंपेंसेशन दे और विक्टिम को भी दे, तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा वर्क करता अगर ये चीज होती तो। और मैंने सजेस्ट किया था, ये जी मैंने सजेस्ट किया था, आप करते रहो, अमेंडमेंट तो आती रहेंगी। जी 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 स्वाति, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू?
यस मैम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया था हमारे डिस्कशन में, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है प्रिजनर्स को, उनको अब हर स्टेट, कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, किसी में भी, हर स्टेट में 14 साल पूरे करने कंपलसरी हो गए हैं विद दिस न्यू लॉ. तो पहले क्या होता था, महाराष्ट्र का कुछ अलग चल रहा है, सब अपने अपने जेल मैनुअल से चल देते. तो तेलंगाना वाला कह दिया 8 साल में ही छूट जा रहा है, महाराष्ट्र वाला 30 साल में छूट रहा है. अब सारे प्रिजनर्स पैन इंडिया एक लेवल पे आ गए हैं कि सबको अपनी सेंटेंस पूरी करनी कंपलसरी है. तो ये सबसे ना, मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैं छोटी सजेशन दे रहा हूँ इसमें. पहले 433 ए था जो कहता था लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो, उसको मिनिमम 14 साल जेल में काटने होंगे. पर क्या करते थे जो डिफरेंट स्टेट्स, क्या करती थी खासकर सदरन स्टेट्स जो हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नर की इस्तेमाल करके, वो सीआरपीसी को एक तरफ कर देते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है गवर्नर की इस्तेमाल करके 8 साल में 6 साल में 7 साल में अभी भी छोड़ रहे थे. पर उस सिचुएशन में मैम कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन पावर तो उनकी है ही. अब 433 है, 433 से पहले भी होता था 14 साल मिनिमम काटनी होती थी हर एक लाइफ कन्विक्ट को, और वो अब भी है. तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अगर स्टेट इस्तेमाल करके जल्दी छोड़ते जाएंगे, जो चोर हैं डकैत हैं वो बाद में छूट रहे हैं, मर्डर पहले छूट जाते हैं, खासकर साउथ स्टेट जो है उसमें ऐसा बहुत होता है. इससे रिमिशन पर भी तो अंकुश लगा. हाँ, इसमें नहीं, इसमें रेमिशन में अंकुश लगा है, पर मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम. ये लोग क्या करते हैं, मैंने केरल में देखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा 161 जो आर्टिकल है उसका वो लेके वो उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको जो कैबिनेट है, कैबिनेट उसको कहते, गवर्नर को कहती है कि आप इसको छोड़ दो, वो गवर्नर छोड़ देते, क्योंकि गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. तो ये मिसयूज होता रहा है. अगर इसके ऊपर कुछ अगर लगा देते, क्योंकि जो लॉ है, लॉ से वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसको कर्टेल नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ये काफी मिसयूज होता है इस मर्सी, इस प्रीमैच्योर रिलीज के केसों में. बट एज व्हाट स्वाति सेड, एक तरफ कम से कम लॉ में यूनिफॉर्मिटी तो आई, उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसी ने यूज करनी है तो वो करे. वो पहले भी थी मैम, 433 ए था, वो पहले भी कहता था कि 14 साल मिनिमम हर एक को काटने होंगे. Prison also, and also have a discussion with superintendent how we can formulate a story or a motivation incentive for the first time offenders. And how we can give them involvement in the reformative activities, and that becomes an incentive for this. So, ma'am, इस पे हम superintendents अलग-अलग superintendents से बात करेंगे, और साथ में ma'am workshops और awareness sessions हम arrange करेंगे, जहाँ पर हम prisoners को और उनकी duties और rights के बारे में, जो अभी नए changes आए हैं उसके बारे में हम बताएंगे. And also draw more linkages between law schools, law colleges, law colleges, bar associations. क्योंकि कई लॉयर्स, कई लॉ फर्म्स जो कि आके इंटर्न्स काम करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं, तो वी कैन डू मोर पार्टनरशिप. जो हमारा रिहैबिलिटेटिव वाला प्रोग्राम है, उसमें हमने लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, लीगल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप ऑलरेडी कर रखा है. आई प्रोबोनो जैसी संस्था है, अजय वर्मा एक लॉयर है दिल्ली के, उनके आईबीजे करके एक संस्था है, उनके साथ मिलके मैम जो बेल पे आउट है और उनको कुछ लीगल सपोर्ट चाहिए या लीगल अवेयरनेस चाहिए, तो ऐसे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लिंक करा देते हैं. वी एक्ट एज अ ब्रिज, कि हम उन लोगों के बीच में हम उनका ब्रिज का काम करते हैं. आपका तो ट्रस्टी सुनील गुप्ता है, आपका लॉर्ड और रोड में ही है. यू मस्ट कॉल सुनील गुप्ता टाइम टू कम एंड एड्रेस सम प्रिजन. राइट, एट सर्विस मैम, एट सर्विस. बेस्ट है कि इनको जब टाइम मिले तो इनको ले जाओ, चाहे तिहार में या यूपी प्रिजन में या कहीं और, जी, so that he can speak to them. Prisoners will feel very happy to share कि जितने भी प्रिजन्स में या स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं और जितने भी ऑफिसर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वाति मैम हो या सुप्रिंटेंडेंट मैम हो, दे ऑल वांट टू बी अ वॉलंटियर विद इंडिया विजन फाउंडेशन. और हमारा जो ट्रेनिंग ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स का प्रोग्राम चल रहा है मैम, वो समय समय पर आकर अपने प्रिजन मैनेजमेंट को कैसे चलाना है उस पर पूरा सेशन लेते हैं,
अभी स्वाति मैम आई थी, और भी बहुत सारे रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट हैं जो हमारे वॉलंटियर ग्रुप बन चुका है. तो मैम वी हैव अ गुड पूल ऑफ गुड वॉलंटियर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिंटेंडेंट्स मैम टू टेक दिस फॉरवर्ड. बट यू डू ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो? यस, दैट इज द थिंग मैम. यस, तभी वो काफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैम. That's right. But thank you so much. I'm so glad we've given prison its pride of essentiality and place and recognition. Because हम लोग ने पुलिस की तो बात कर ली, हम सोचा कि प्रिजन को भी हम लोग फोकस में लाए ताकि जनरल अवेयरनेस और भी फैले. क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये जाने वाला नहीं है. This will become now on the playlist of the demonstrative learning. अगर किसी ने मिस किया ऑनलाइन लाइव तो वो डेमोंस्ट्रेटिव लर्निंग चैनल पे जाके ये प्रोग्राम को रिपीट सुन सकता है, शेयर कर सकता है. इट्स अप टू यू, अप टू यू. बट वांट टू थैंक यू ऑल सुनील. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम स्वाति एंड मोनिका. से ग्रेटिट्यूड, लेट अस सी आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु कम एंड इवन दोज हु बिहाइंड द सीन. लेट मी रिकॉग्नाइज, सो स्वाति ग्रेटफुल टू यू, सुनील एंड मोनिका स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू थ्री ऑफ यू. Thank you, ma'am. And gratitude to our teams of India Vision, Navjyoti India Foundation and Demonstrative Learning, who came together to found this channel. And then the team behind this is Saina Barucha, Shakira Squat, Shivani, they are our creative team, Shivani Arora, technical team is Sujata Bhuyan, Sumit Shukla, and our support team is Rinki Singh. These are our team behind the scene. Thank you very much for all of you. Ye apna ghar ka channel hai. जितनी देर मर्जी चलाओ, जब मर्जी बंद कर दो. That's the point of this channel. Because it's not linked with any time bound, but we've done it in less than 1 hour. Thank you so much, ma'am. मैम आपके साथ बात करना, मैम आपके साथ बात करना, वो भी इस चैनल पे, ये बड़ी फक्र की बात है. अपने तो सारी जिंदगी इकट्ठे बता दी, सबके लिए आपके साथ एसोसिएट होना ही मतलब यू आर ए यूनिवर्सिटी मैडम. आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और आपके साथ बात करके आज हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है. जी, थैंक यू स्वाति. मैं तो आपके प्रेजेंट को देख, तुम कितनी अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंट चला रहे हो. और साइना भी आपके पास खूब विमेन की साथ आके प्यार से बात करती है. इट इज सो गुड एंड हाउ यू आर रनिंग योर प्रोग्राम. आई होप मोनिका विजिट्स यू वन डे. यस यस, मोनिका वंस और ट्वाइस शी केम. मैम दो बारी तो मैं हो आई हूँ, बट अभी फिर से जाऊंगी जरूर जल्दी. वेरी प्रोग्रेसिव प्रिजन, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव. यस, स्वाति बहुत प्यार से. मैम बिकॉज़ हरसेल्फ इज वेरी प्रोग्रेसिव. यस, दैट्स ट्रू. बहुत फर्क पड़ता है व्हेन यू हैव अ लीडर लाइक स्वाति मैम हु वांट्स टू टेक द प्रिजन फॉरवर्ड. सो थैंक्स टू हर लीडरशिप. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू. थैंक यू मैम. जय हिंद मैम.